अनीता की रसोई में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज मैं आपको बेसन का कढ़ी बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए बेसन है, इसमें देखिए मैंने हरी मिर्च, जीरा, मरीच पिसा है, लहसुन नहीं डाला है मैंने। और ये देखिए हल्दी पाउडर, देगिनी पाउडर, नमक है। आइए बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने बेसन ले लिया है। अब मैं इसमें मटेरियल डालूँगी, ये जो रखा है मैंने ये डालूँगी। इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा देगी मिर्च, थोड़ा सा नमक। तेल को मैंने बैठा दिया गर्म होने के लिए। ये देखिए जो पेस्ट बनाया मैंने वो थोड़ा सा डालूँगी। देखिए फ्रेंड, इसको मैं पेस्ट ऐसे सान लेती हूँ। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा तरीके से सन चुका है। देखिए फ्रेंड सन चुका है, इसमें इसको डालना स्टार्ट कर रही हूँ। आप इसमें लहसुन भी डाल सकती हैं फ्रेंड, मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ। लहसुन डालकर भी कभी बनाकर दिखाऊंगी। एक मिनट हो गया फ्रेंड, मैं इसको पलट ले रही हूँ। इसको ज़्यादा नहीं तलना है फ्रेंड, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। थोड़ा सा ही तलूँगी। देखिए फ्रेंड पकौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं इसे पानी में डाल दूँगी ताकि थोड़ा मुलायम हो जाए, कढ़ी में खाने में अच्छा लगे। इसको 1 से 2 मिनट भिंगा के रखूँगी, फिर इसको निकाल दूँगी। आइए अब देखिए तेल बचा है उसमें मैं तड़का लगाती हूँ। थोड़ा सा गोलमरिच, जीरा, थोड़ा सा हींग, ये तड़क चुकी है फ्रेंड। अब मैं इसमें मसाला जो पीसी थी वो डालूंगी। रखा है वो भी मैं डाल दूंगी। आप फ्रेंड एक बार इस तरीके से बना कढ़ी देखिएगा। आई इसमें दही भी डाला जाता है फ्रेंड, मैं तो बिना दही के मैं बनाकर आपको दिखा रही हूँ। ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मसाला देखिए भून चुका है फ्रेंड। ये जो बचा था थोड़ा सा बेसन मैं उसमें घोल बना ली हूँ पानी डालकर। अब मैं इसमें डालूंगी, मैं नमक ऐड कर चुकी हूँ इसमें। इसको मैं अब ये जो पकौड़ी है इसको भी मैं निकाल के डाल दूंगी। इसको 2 से 3 मिनट पकने देती हूँ। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा तरीके से पक रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड, और लाइक भी कीजिएगा। देखिए बन चुका है, आइए मैं इसको निकालती हूँ। देखिए फ्रेंड बनकर तैयार हो चुकी है कढ़ी। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।